सो अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ मी आलिया खान, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप्स आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और मैं हर दुआ में बस यही मांगती हूँ कि जितने भी कुल मोमिन वल मोमिनात हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब अच्छे से और सेहतमंद तंदुरुस्ती अता फरमाए, अता करा होंगे। तो गाइस, काफ़ी लोगों का मुझे DMs आ रहा था कि आप रमज़ान में वीडियोज़ नहीं बना रही हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट रमज़ान में मैं वीडियोस नहीं बना सकती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ है तिलावत, क्योंकि सिर्फ 12 महीने में से सिर्फ जो एक महीना होता है ना, वही हम लोगों को मिलता है तिलावत के लिए। अगर उसमें भी हम लोग अपना वक्त ज़ाया करते तो ये बहुत बड़ी गुनाह की बात है। इसलिए मैं काफ़ी टाइम से लाइव नहीं आ पा रही थी, काफ़ी टाइम से आप लोग से कॉन्टेक्ट भी नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि मुझे मैं इसके लिए आप लोग से क्या मैं माफ़ी नहीं मांग सकती, बट हाँ ऊपर वाले से ज़रूर मांग रही हूँ कि अभी मैं रमज़ान के महीने में भी मेरे को थोड़ा सा वक्त निकाल करके मैं रमज़ान के बारे में कुछ बताने के लिए मैं ये वीडियो, एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। तो काफ़ी लोगों का ये DMs आया कि रमज़ान क्या है और रमज़ान क्यों मनाया जाता है। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ आपको बता दूँ, रमज़ान ये बहुत ही पाक और बहुत ही अजीज़ महीना माना जाता है। रमज़ान का जो वर्ड होता है वो अरबिक वर्ड है, इसका मतलब है सूखा, प्यासा, भूखापन, बेजान, मतलब इसे हम लोग रमज़ान कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला हमारा टेस्ट लेते हैं। जी हाँ, जैसे दुनिया का टेस्ट होता है वैसे ही हमारा दिन का टेस्ट होता है, वो भी सिर्फ एक महीने का। तो इसमें जितने भी कुल मोमिन वल मोमिनात है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि इस टेस्ट को हम लोग पास कर सकें। इस महीने में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाज़िल हुए थे, और इसी महीने में कुरान पढ़ना सवाब माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जो इस महीने में रोज़ा, नमाज को मिस नहीं करते हैं, जो तरावी को मिस नहीं करते हैं, उन लोगों की हर दुआ, हर मुराद को कबूल अदा की जाती है। रोज़ा रखने का तरीका जितना ही आसान है, उससे कई ज़्यादा है मुश्किल। रोज़ा रखने का मतलब 16 घंटा तक बिना कुछ खाए पिए भूखे रहना और अल्लाह की इबादत करना। मकरूह किसे कहते हैं? तो मकरूह उसे कहते हैं अगर हम लोग कोई चीज़ ज़्यादा देर तक किसी खाने के डिश को सूंघते हैं, अगर हमारे बॉडी से कहीं पे भी नेल लग गया या कहीं पे भी थोड़ा सा भी कट लग गया जिससे ब्लड निकल जाती है, उससे हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। और बार बार बोलना कि हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है, इससे भी हमारा रोज़ा नहीं माना जाता है, हमारा रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो इसे हम लोग मकरूह कहते हैं। इससे रोज़ा हमारा टूटता नहीं है मकरूह वर्ड से, बट अगर हम ये चीज़ करते हैं। और रोज़ा रखने का तरीका, रोज़ा रखने के लिए सुबह के 3 बजे हम लोग शहरी करते हैं। शहरी का मतलब कुछ भी खाकर पानी पी लेना, और शहरी सुबह के फजर अजान से पहले खाया जाता है, कि फजर की अजान के बाद रोज़ा शुरू हो जाती है। उसके बाद सारा दिन रोज़ा रखने के बाद अल्लाह का तिलावत कुरान शरीफ पढ़ने के बाद शाम का वक्त जो आता है 6 बजे, जैसे हम मगरिब का वक्त कहते हैं, जब उस वक्त अजान होती है उस टाइम हमारा रोज़ा अल्लाह ताला कबूल करते हैं, और उस टाइम हम लोग रोज़ा खोलते हैं। और रोज़ा खोलते हैं हम लोग सबसे पहले खजूर से, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली बार रोज़ा खजूर से खोले थे। जब हम लोग शाम में रोज़ा खोलते हैं और बहुत सारी मुख्तलिफ डिश बननी होती है, उसका नाम है इफ्तार, जिसे हम लोग इफ्तार कहते हैं। जब पूरा एक महीने का रोज़ा मुकम्मल होता है, तब लास्ट में आती है चांद रात, जो ईद से पहले चांद निकलती है। उसके बाद उसके अगले ही दिन ईद होती है, जिसे हम लोग ईद बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ईद में लोग नए नए कपड़े लेते हैं, क्योंकि ईद की जो खुशी होती है हर लोगों को, वो खुशी इस चीज़ की होती है कि लोग 30 दिन तक भूखे प्यासे अल्लाह की तिलावत करते हैं, लोग उसके बाद नए नए कपड़े पहनते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम लोग ईद कहते हैं। और उस दिन हमारा रोज़ा, हमारा हर एक दुआ कबूल किया जाता है। और रोज़े में कई सारे बच्चे, कई सारे बुजुर्ग जितने भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए सदका भी निकाला जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला का कहना है, अल्लाह ताला का ये मानना है कि सदका बहुत ज़रूरी है। अगर आप तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, आप रोज़ा रख रहे हैं, प्लस सदका निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदका अल्लाह ताला को बहुत अच्छी चीज़ लगती है। गरीबों की मदद करना, अगर कोई गरीब, कोई फ़कीर हमारे घर आ रहे हैं और वो लोग सदका मांगते हैं, वो लोग को मदद चाहिए होता है, क्योंकि उस वक्त हम लोग उनकी जब मदद करते हैं, उनकी जब हेल्प करते हैं, उसे हम लोग सदका कहते हैं। तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग भी खुद का कभी सदका निकाला करें, इससे आपके चेहरे पर भी नूर रहेगा और प्लस अल्लाह ताला भी खुश रहेंगे, क्योंकि गरीबों की हेल्प करना गलत बात नहीं है। सो बस इसी के साथ आगे वीडियो में मैं आपको ईद के बारे में और भी अच्छे से बताऊँगी कि
ईद में और क्या क्या चीज़ बनी है, और ईद का भी ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा। अस्सलामुअलैकुम, अपना ध्यान रखें, और हाँ, इन एडवांस हैप्पी ईद, आप सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। अस्सलामुअलैकुम गाइज़।